हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन को दिखने में तो हमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मगर हम इसको आज शॉर्टकट ट्रिक की मदद से विद इन 15 सेकेंड ईजिली कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आप भी इस क्वेश्चन को विद इन 15 सेकेंड ईजिली कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट। उसके अंदर दो क्वांटिटीज़ हैं जिसके ऊपर भी रूट लगा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें हमारी शॉर्टकट ट्रिक कैसे काम करती है। तो हम लिखते हैं अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, 2, 6 और सबसे लास्ट में है 25 की पावर 72। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि शॉर्टकट ट्रिक हमारे किस तरह काम कर रही है। हम इसके दो पार्ट करते हैं। सबसे अंदर वाले जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी उसको मानेंगे हम पहला पार्ट, और जो बचा जितना भी हिस्सा होगा उसको मानेंगे हम दूसरा पार्ट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे अंदर से शुरू करते हैं। सबसे अंदर है 25। 25 किसी का स्क्वायर है? यस, 5 का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 5। ठीक है, 5 को 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। और उसके ऊपर 72 लगा है, पावर के ऊपर पावर, तो मैं लिख सकता हूँ सिंपली ऐसे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में जो नंबर होते हैं हमारे 4, 3 और 6 यहाँ पर हैं, इनको सिंपली हम यहाँ पे डिवाइड में लिख देते हैं, यानी 4, 3 और 6। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 वन ज़ा 6 12, 3 वन ज़ा 3 4 ज़ा 4 से 4, तो हमारा आ गया 5 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 25। इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 25। दूसरा सॉल्व करते हैं ऐसे ही, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 4 और 9 की पावर 48। ठीक है, इसके भी दो पार्ट करते हैं। अंदर वाले को पहला पार्ट मानते हैं, बाकी को दूसरा। तो यहाँ पे मैं 9 को क्या ले सकता हूँ, 9 को ले सकता हूँ 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर 48 है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट में जो नंबर होते हैं उसको डिनोमीटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 है, लिख दीजिए 2, 3, 4, 4 से काट दीजिए। ठीक है, 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, यानी हमारा आ गया 3 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 3, 3 ज़ा 9। ठीक है, वो होता है हमारा 81। ठीक है, अब इसके बदले 81 लिख सकता हूँ। तो देखिए हमारे लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में इनके रख देते हैं, इसके बदले 25 रखते हैं, दूसरे के बदले 81, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 वन ज़ा 25, 2 हासिल 200 प्लस 2, यानी 202। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2025। ये स्क्वायर होता है, आप निकाल लीजिएगा, ये स्क्वायर होता है 45 का। तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे स्टेप वाइज कराए। अब हम देखेंगे शॉर्टकट की मदद से हम किस किस तरह को क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट ऑफ, ये दो आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, यानी इन दो आइडेंटिटीज़ का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करिए, नहीं तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें इस वाली आइडेंटिटी को और इस वाली आइडेंटिटी को सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको पहले करता हूँ, इसको सॉल्व लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 2, 6, 3 और 3 की पावर 72। दो पार्ट कर लें इसके, सबसे अंदर वाला तो वहाँ पे 3 की पावर 72, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 72। बाकी के नंबरों को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ पे 2, 6 और 3 हैं, काटते हैं, ये हो जाएगा 12, 3 फोर ज़ा 12 और 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 की पावर 2 बचा, 9 हो गया। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, मैं लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 81 की पावर 35। तो यहाँ पे अंदर वाले को सॉल्व करें तो 81 को मिल सकता हूँ 9, 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऊपर 35 है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसी तरह बचे भी गिनती यहाँ पे 5 और 7 है, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। सॉल्व करते हैं तो 5, 7 तो 35, ऊपर भी 35, तो ये कट गया, तो यहाँ पे बचा 9 की पावर 2 जो कि होता है हमारा 81। ठीक है, इसके बदले 81, इसके बदले 9 हम यहाँ पुट करते हैं, ये 9 इंटू 81 जो कि होता है हमारा 729। ठीक है, और इन सब के बाहर हमें एक चीज़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब रूट बताना है इन सब का हमें। ठीक है, अब बता दीजिए कि 729 जो होता है वो किसका क्यूब रूट होता है, तो 729 होता है क्यूब रूट हमारा 9 का। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो हम इस तरह हम क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये आज हमारी एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कुछ शॉर्टकट ट्रिक पढ़ी। तो हम देख सकते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली शॉर्टकट ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन शो रहा होगा आपको, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख भेजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।